जून 1984 का वह दर्द जिसके जख्म अज भी सिख कौम अले महसूस करती है, जिसका संताप दहाकों तो अज भी सिख कौम के पंजाबी भोगते आ रहे हैं। हजार निर्दोष सिख नौजवान उस समय किमें फौजी कार्रवाई का शिकार हो गए, किमें दरबार साहब च बेखबरी घूम रही संगत उत्ते ताबड़तोड़ गोलियां चलाईया गई, किमें हुई सी इस कातलाना ऑपरेशन की शुरुआत। 1 जून 1984 समा दोपहर 12 बजे जो CRPF ने दरबार साहब उत्ते पहली बार फायरिंग शुरू की थी सी। लगातार 8 घंटे चली इस फायरिंग 11 लोगों की मौत हुई सी, जिन्हां विच एक बच्चा, एक औरत ते एक बजुर्ग भी शामिल सी। कहा जाता है कि यह फायरिंग केवल दरबार साहब अंदर बैठे खाड़कू सिंघां दे हथियारां ते टिकाणियां दी दिशा जानने लई कीती गई सी, तां जो सिंघां दे टिकाणियां ते उन्हां कोल मौजूद हथियारां दा पता लगाया जा सके। इस दे नाल यह भी कहा जाता है कि इस फायरिंग का मकसद दरबार साहब अंदर बैठे सिंघां उत्ते प्रभाव पाउणा सी, तां जो फौज अगे सिंघां दा सरेंडर करवाया जा सके। 3 जून नूं 5वें गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी दिहाड़ा होना सी, जिस करके 1 जून वाले दिन हजारों की गिणती विच संतां दरबार साहब विखे पहुंचिया हुई सन। दूजे पासे अकालियों का भी धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी देने 500 अकालियों का जत्था पहले ही दरबार साहब विच मौजूद सी। इस दे नाल ही वड्डी गिणती विच बंगलादेश के सैकड़े लोगों ने भी शरण ली हुई सी, जो श्री गुरु रामदास लंगर हाल विच लंगर छक दिन कट रहे सन। इस करके दरबार साहब विच संगत की गिणती हजारों के रूप में हो गई सी, जो कि फौज का घेरा पैन करके सारे ही गिर गए। जिवें जिवें फौज पहुँचनी शुरू हुई तो संतां दीआं धड़कणां भी तेज़ होंदियां जा रही सन, क्योंकि चशमदीद दसदे हन कि की होण वाला है। इस बारे किसी नूं भी वार्निंग तक नहीं दित्ती गई, बस लोगों विच अजिहियां गल्लां प्रचारियां जा रही सन कि दरबार साहब विच अतवादी गतिविधियां चल रही ने, ते जिन्हां नूं स्थानक प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसे करके हुण फौज की सहायता ली जा रही है। फिर स्थानक प्रशासन की आड़ इस ऑपरेशन का सारा ताना बाणा रचा गया। 1 जून नूं ही VKS बराड़ नूं CRPF पंजाब पुलिस अते BSF की कमान दिती गई, मतलब कि एक तरीके नाल सारी पावर फौज नूं दे दिती गई। रस्मी तौर उत्ते 2 जून नूं फौज ने सारे अधिकार लै ले। जनरल बराड़ नूं फौजी हमले का सारा इंचार्ज दिता गया, जनरल रणजीत दयाल नूं सरकार का प्रबंध दिता गया, के गौरी शंकर नूं खेम करन तों जम्मू तक बार्डर सील करन दी जिम्मेवारी दिती गई। लगातार फौज के अफसरां दीआं 1 जून वाली रात नूं मीटिंगां ते मीटिंगां हुंदियां रहियां ते पूरी प्लैनिंग दे नाल ऑपरेशन बूस्टर की शुरुआत की गई।